क्या गरीब लोग या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं या फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, क्या वो लोग संगीत नहीं सीख सकते? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। तो वो सुविधाएं क्या सिर्फ अमीरों के लिए है या उन्हीं के लिए जिनके पास पैसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ख़ास करके संगीत प्रवाह वर्ल्ड की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे जी एक सोशल वर्कर हैं, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ एक तरह से। जो भी एजुकेशन का काम कर रहा है वो सोशल वर्कर है, क्योंकि वो सोसाइटी को कुछ दे रहा है, कुछ योगदान दे रहा है। तो जो कुछ मेरे पास है या जो मेरे पिताजी के पास है, जो हमारी पूरी टीम के पास है, वो बिल्कुल भी एक फाइनेंशियली सक्षम आदमी के लिए ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी लोगों के लिए है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि कैसे जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं वो भी संगीत कैसे सीखेंगे और कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। तू भूल न जाना जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना तन पे हरी का चोला, पिछले 10 साल से ये चैनल चल रहा है YouTube पर, और हमने हमेशा यही कहा है कि घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने यही कोशिश करी है कि जितना हो सके उतना सारा आपको सिखाया जाए, कुछ भी छुपाया न जाए। हमने जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई या ऑफलाइन क्लासेस चलाई, उसमें सिर्फ ये एक सुविधा थी कि हम वहाँ आपके पास 24 घंटे मौजूद हैं, और हमारी मौजूदगी में, हमारे डिसिप्लिन में, हमारे शासन में आप बैठकर काम करेंगे। वो एक सुविधा है, जगह मिल गई, साज मिल गए। लेकिन कंटेंट में या जो सिलेबस है, जो सिखाने का तरीका है या जो सिखा रहे हैं, उस मटेरियल में कभी हमने कोई कमी नहीं रखी। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं रखा। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है अभी, और ये तो समय, वक्त का तकाजा है, ये समझ लीजिए वक्त की डिमांड है, हमारी भी मजबूरी है कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, और अगर वो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं ले रखा है और वो हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं और कुछ डाउट्स अगर वो पूछते हैं, तो उनको जवाब देने में थोड़ा वक्त हम लग जाता है हमें, क्योंकि ऑडियंस इतनी हो गई है, स्टूडेंट्स इतने हो गए, और हमारी टीम इतनी भी कोई बड़ी नहीं है, है ना, कि हम वो सारा काम अच्छे से मैनेज कर पाएँ। बहुत कोशिश हमारी चल रही है, उसमें हम और टीम मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ढंग के टीम मेंबर्स ऐड करने होंगे। स्वाभाविक है ना, आप ये भी तो सोचिए कि हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते जो संगीत प्रवाह वर्ल्ड की फिलॉसफी को समझता ही नहीं है, जो हमारे साथ हमारे ध्येय से नहीं जुड़ता है, और वो कुछ और मकसद से जुड़कर अगर वो स्टूडेंट्स को हैंडल करेगा तो वो हमारा नाम ख़राब होगा उससे, और हमारा ध्येय जो है वो इनकम्प्लीट रह रहा है। हमारा ध्येय है निशुल्क सेवा और सब चीज़ पूरे मन से सिखाना, जो है हमारे पास वो निस्वार्थ भाव से देना। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, इसीलिए अभी हमारी टीम थोड़ी छोटी है, और लेकिन आप जनता का ये प्यार है कि आप इतने ढेर हैं कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ हमें बड़ा खुश भी करती है, लेकिन हाँ दुखी भी करती है, क्योंकि उसे मैनेज करने के लिए हमें टीम बढ़ाने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं रेगुलरली। फिर भी जवाब देना तो एक अलग पक्ष है कि हम आपके मैसेजेस के और कॉल्स के उतने प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन जो मटेरियल हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास फाइनेंशियली उतना दम नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हो गई इसमें, बस ज़रूरत है आपको अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की और एक अच्छे फ़ोन की। अगर ये दो चीज़ें हैं और सेल्फ डिसिप्लिन है, जो हाल ही में मैंने एक वीडियो दिया था, क्या ऑनलाइन भी आप संगीत सीख सकते हैं, उसमें मैंने यही चीज़ समझाई है कि मूलतः यही चीज़ें चाहिए और कुछ भी नहीं। ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको दूसरी जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लास भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं और बिल्कुल सीख सकते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और नहीं भी हैं, दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गरीबों के लिए या जो अमीर हैं उनके लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ कोई टैग नहीं लगा रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ हमने फ्री में दे रखी है। और वो कैसे दे रखी है? आपको वोकल या हारमोनियम सीखना है,
पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसके लिए, एपिसोड 1 से लेकर, जिसमें कि हमने अलंकार से शुरू किया है, स्वर से शुरू किया है कि क्या क्या स्वर होते हैं, क्या क्या पिच हैं, वो प्लेलिस्ट आप पकड़ के चलिए, एक एक करके एपिसोड सीखते जाइए। रागों तक ले जाया गया है उसमें अंत तक, और बहुत एडवांस रागों तक भी लेके गए हैं। एडवांस राग यानी ऐसी राग हैं जिनमें हमने एडवांस चीज़ें गवाई हैं, है ना। रागों का तो कोई स्तर नहीं होता एडवांस या बिगनर, वो तो राग है, उसका जो कंटेंट है उस पर निर्भर करता है। तो वो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लेकर गए हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से डिटेल में समझाते हुए लेकर गए हैं। उसके अलावा लय और ताल पक्ष अगर आपका कमज़ोर है, उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप देखिए, एक एक एपिसोड देखिए, तैयार कीजिए, हर एक चीज़ बारीकी से बता रखी है, हर एक चीज़ उसमें मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि स्टडी मटेरियल आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, सब उसमें बता रहा हूँ, तो लिखा हुआ सब है, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उसके हमने जो भी अलंकार हैं वगैरह वगैरह। मॉर्निंग वोकल रियाज की हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी हैं, और इसको पूरे को समझाते हुए अलग से मैंने हजारों बार वीडियोस बना चुका हूँगा कि क्या क्या हमारा चैनल है, ठीक है, उस पर हमने दे रखा है। आप देखिए ना, इसमें कहाँ पैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है आपका, लेकिन हाँ स्वाभाविक है, इंटरनेट कनेक्शन वो एक अच्छा लगेगा, और हारमोनियम अगर आपके पास हो जाए तो बहुत बेहतर, अगर वो भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप तानपुरा तो मोबाइल में डाउनलोड कर ही सकते हैं, उससे कर लीजिए। कौन सा करना है वो भी मैंने अलग से बता रखा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, मेट्रोनोम एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल होगी उस पर पूरा पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। ताल नहीं समझ आ रही, लय नहीं समझ आ रही, उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ दे रखे हैं, हर एक चीज़ मैंने दे रखी है वहाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। अब बात आ जाती है कि नहीं भाई, हमारे को तो आप ही से सीखना है और साथ में जुड़कर ही सीखना है, उसके लिए भी एक रास्ता निकाल दिया गया। मेरे पिताजी, जैसे कि मैंने बताया कि MSW उन्होंने किया हुआ है, मास्टर इन सोशल वर्क्स, और अगर वो नहीं भी किया हुआ होता तो भी उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो मदद करने वाले हैं, तो उन्होंने संगीत धरा का निर्माण किया। संगीत धरा हमारा संगीत प्रवाह वर्ल्ड का ही एक सिस्टर चैनल है, या यूँ कह लीजिए कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का पार्ट है, जहाँ पे ग्रुप क्लासेस होती हैं। जैसे मैं तो YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ, ग्रुप क्लासेस में भी मेरा वहाँ योगदान है, लेकिन एक मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया गया जहाँ पर आप कंपटीशन में पार्ट लेकर, उस कंपटीशन में जीत कर एक साल तक फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। और बोलिए, आ गए आप, आमने सामने आ गए, वीडियो कॉल पर आ गए, और वो भी फ्री में आ गए, वहाँ पहुँचिए। कोई चीज़ अगर हम पाना चाहते हैं ना, कोई चीज़ खोनी पड़ती है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार ये भी हो जाता है। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि फ्री सीखना है और ऑनलाइन आप सीख सकते हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से, तो स्वाभाविक है मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से मैंने बहुत आसान कर दिया है, लेकिन तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, और जहाँ मेहनत आती है वहाँ मुश्किल आती है कि नहीं, आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, वो नहीं बनता है, क्लास में भी आके नहीं बनेगा तो वहाँ ऑनलाइन भी नहीं बनेगा, एक ही बात हो जानी है। आप ये बोलो कि नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन रहा है तो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास ज्वाइन करके भी आप उतने ही ढीठ हैं जितने बिना क्लास ज्वाइन करे थे, तो क्या सेंस बना, है कि नहीं। तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बन रहा है तो ऑनलाइन वो सारे वीडियोस इनफ हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ और उसमें ऐसा है। और मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि अगर अच्छे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे वाले मिलते हैं तो मैं तो उनकी व्हाट्सएप पर भी फ्री में मदद करता हूँ। एंड इनफैक्ट पता है क्या, व्हाट्सएप पर आप लोगों के सवाल आते हैं ना, मुझे एक चीज़ बड़ी खलती है, आप लोग चाहते हैं मैं उन सवालों के जवाब या तो आपको कॉल पे दूं या वहीं टेक्स्ट पे दूं। संगीत है, प्रैक्टिकल विषय है, बातों का विषय, टेक्स्ट का विषय नहीं है कि मैं आपको टेक्स्ट पे समझा दूंगा या वॉइस नोट में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके लिए मुझे वीडियो देना पड़ता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं नोम तोम का आलाप कैसे किया जाता है, मैं आपको दो वीडियोस दे रहा हूं कि इनमें देखिए, अगर देखने के बाद कोई डाउट आता है तो आप यहां पूछिए, वो देख ही नहीं रहे और बिना देखे कह रहे हैं हाँ हमने तो देख लिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं कि इसमें क्या फ़र्क है, सर वो तो नहीं पता क्योंकि वीडियो देखा ही नहीं आपने। यानी मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं और फ्री में पाना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। अगर कोई चीज़ आपको निःशुल्क मिलती है ना, उसका शुल्क पैसे में ना जाए, मेहनत में जाता है। और अगर कोई फ्री में नहीं भी मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपने पैसा दे दिया है तो आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मेहनत वहाँ भी लगेगी। मेहनत में कमी रख कर आप काम नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि गाइड की आवश्यकता है, तो मैंने अभी आपको बताया, संगीत धरा पे आइए, वहाँ हमारा हर शनिवार को एक कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, हमारे ही बनाए गए गानों का कंपटीशन होता है, उन्हें तैयार कीजिए, वहाँ सुनाइए, विजयी बनिए और जीत जाइए। एक साल का आपका, साल भर का कोर्स आपको मिलता है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन है आपकी, हफ्ते में दो दिन की क्लास होती है वहाँ पे, घंटे घंटे भर की। एंड इनफैक्ट जो तो बहुत ज़्यादा सुरीले सिंगर्स होते हैं उनको तो एक्स्ट्रा बोनस क्लासेस भी मेरे पिताजी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा क्या है जो हमने नहीं दे रखा है फ्री में? बस एक चीज़ है, मेहनत नहीं होती है हमसे, लोगों से, क्या करें फिर, मेहनत का तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है ना। आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन देना चाहते हैं, आपको आप भय है आपको कदम उठाने से, स्टेप उठाने से डरते हैं आप,
तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना? शुरू तो करके देखिए, क्या दिक्कत पड़ेगी, हम है ना, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसों की मदद नहीं करेंगे जो हाथ पांव भी नहीं मारते अपने। हाथ पांव तो चलाइए, पता तो चले क्या है जो आपकी समस्या है, जो हमारे पास उसका हल नहीं है। हाँ, आप सवाल लिखिए, खाली आप अपना सवाल लिखिए और आगे संगीत प्रभाव वर्ल्ड डाल दीजिए। आई गारंटी यू कि उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ होगा, और अगर नहीं वीडियो मिला, आपका सवाल गलत होगा। हो सकता है आप उस सवाल की फ्रेमिंग गलत कर रहे हैं, आप वो सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, आपकी वर्ड्स गलत हैं, क्योंकि वीडियोस तो हमने हर टॉपिक पे बनाए हैं, इतने तो हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, इतना तो मैं दावा कर ही सकता हूँ, फिर भी नहीं मिलता है ना। आई गारंटी यू, मुझे वो सवाल लिख के भेजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता कैसे हूँ, आप ही लोगों के टॉपिक से तो लेता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बिल्कुल भी किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, डिमीन नहीं कर रहा हूँ, पैसा होते हुए भी वो ढोंग करते हैं पैसा न होने का, और मैं छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर हाँ ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं जिनके पास है लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। आप बताइए ना, अगर हम महीने की बहुत मिनिमम अमाउंट भी रखेंगे ना, उसमें भी वो बोल देंगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं फिर भी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देता। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये लो, ये वीडियोस देखो, इनसे आप सीख सकते हो, पूरा डिसिप्लिन से बनाओ, वो नहीं करेंगे, वो करना ही नहीं चाहते हैं। और जिनको इवन हमने निःशुल्क एडमिशन्स दिया है ना, दिए हुए हैं ना, सच बताऊँ तो वो भी उतनी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लग नहीं रहा ना उनका। मैंने क्या बोला, इंसेंटिव लगता है, जब आपकी अंदर से कोई चीज़ जा रही होती है ना, तो उसका दुख होता है कि नहीं यार पैसा जा रहा है, मेरा समय जा रहा है, तो आओ मैं उसके बदले में काम कर लूँ, तब कुछ काम होता है। जिनका पैसा नहीं जाता, उनको मेहनत करने का भी भय नहीं रहता, इसीलिए दक्षिणा लगती है, बिना गुरु दक्षिणा के गुरु ज्ञान नहीं मिलता, है ना। जिंदगी हर एक तजर्बे की एक कीमत लेती है, मिलती है कोई चीज़ मुझे तो गंवानी पड़ती है। ये मैंने कुछ अरसे पहले छोटा सा एक शेर लिखा था, और वो यही चीज़ है कि वो तजर्बा जो आपको मिल रहा है ना, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसकी एक कीमत लगेगी। आप अगर कुछ पा रहे हो तो कुछ जाएगा भी आपके पास से, वही उसकी कीमत होती है, भले ही वो पैसा ना हो, लेकिन कुछ और चीज़ जाएगी, तो आपका समय जाएगा, आपकी मेहनत जाएगी, करिए तो सही, है कि नहीं। क्या चीज़ है जो आपको तलाशनी है, जो नहीं मिल रहा? अगर आप फीमेल हैं, छोटे बच्चे हैं, आपके लिए रियाज के लिए हमने वीडियोज़ बना रखे हैं, ऑफ बीट की एक्सरसाइजेज़ के हमने वीडियोज़ बना रखे हैं, खाना पीने का क्या ख्याल रखना होता है सिंगर्स को, उस पर हमने वीडियोज़ बना रखे हैं, मॉर्निंग वोकल रियाज की हर एक डिटेल हमने उस पर वीडियोज़ बना रखे हैं, प्रैक्टिकल वीडियोज़ जिनके साथ में आप रियाज कर सकते हैं वो हमने बना रखे हैं, उनके नीचे हमने लूप्स के लिंक भी दे रखे हैं और PDFs के हमने लिंक्स दे रखे हैं, हर चीज़ तो प्रोवाइड करा दी, क्या चीज़ है। हाँ, अब इसमें यूँ होता है कि अगर हम स्वरांगिनी की PDF का चार्ज ले रहे हैं, सर आप तो निःशुल्क कह रहे थे, आप तो यहाँ पैसा ले रहे हो, तो क्या करें हम, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दें, हैं, ऐसा करना छोड़ दें, क्या करें हम, हमें कोई डोनेशंस तो आ नहीं रहे, हम भी तो थोड़ा बहुत अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें भी व्यावसायिक रूप से ये करना पड़ेगा ना। लेकिन आप ये तो देखिए कि व्यावसायिक रूप से वो सब करने के बावजूद भी हम आपको कितना कुछ निःशुल्क दे रहे हैं, वो नहीं देखा जा रहा है। जैसे ही आपकी डिमांड एज इट इज़ पूरी नहीं हुई ना, तो आप सामने वाले ब्लेम डालते हैं कि तुम तो झूठे हो, तुम तो कहते हो कि हमने व्हाट्सएप का नंबर दिया, आप तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे किस किस के फ़ोन उठाएंगे, आप मैसेज डालिए, आपको वहाँ जवाब मिलेगा, और मैं अश्योर करता हूँ कि आपका सेटिस्फाई होंगे आप, क्योंकि वीडियो हम देते हैं आपको, प्रोवाइड कराते हैं कि आपका ये जवाब इसमें प्रैक्टिकली हमने घंटे भर में समझाया हुआ है। जो आपका टॉपिक आपने पूछा है वो 10 मिनट में या 5 मिनट में समझाने का नहीं है, एक लेंदी टॉपिक है, तो उसको मैं ऐसे बातचीत में तो समझाने से रहा वीडियो दूंगा ना उससे रिलेटेड, तो वो देखिए फिर भी कोई डाउट बचता है तो पूछिए। मुझे रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिन्होंने मैंने वीडियो दिया हो और वो देख कर फिर मेरे से सवाल किया हो कि सर आपने वो बातें उसमें बताई हैं लेकिन ये रह गया। मुझे इतनी खुशी होगी ना अगर आप ऐसा करेंगे, तो मुझे लगेगा ये हुई ना बात, ये कोई विद्यार्थी है, उसे मैं तुरंत ही अपना बैच में एडमिशन दे दूं, मैं तो इतना खुश हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट मुझे ऐसे ही मिलते हैं जो वीडियो देखते हैं, अरे लिंक आया, अरे छोड़ो यार फिर तो, अरे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, म्यूज़िक का जवाब है, लिख के भेजूंगा क्या कि सा कैसे लगाया जाता है, प्रैक्टिकली ही तो बताऊंगा, तो वो मैंने वीडियो में बताया है ना, देखो तो सही। लेकिन वीडियो देखना हमें लगता है हमारा खर्च हो रहा है ना, वीडियो हमारा इंटरनेट खर्च हो जाएगा, तो जब कुछ देना ही नहीं चाहते हो अंदर से और सब पाना चाहते हो, तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, संगीत तो बहुत दूर की बात है ना। नुकसान होता है और उसे नुकसान नहीं कहते, उसे दक्षिणा कहते हैं, वो लगती है, कुछ ना कुछ चीज़ गंवानी पड़ती है तभी कुछ मिलता है, या तो इंटरनेट गंवाना पड़ेगा आपको, मेहनत देनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा।
हाँ, अगर वीडियो में कुछ अनक्लियर रह गया तो मुझे बोलो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। जैसा मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई तबले पर बोल कैसे पहचाने जाते हैं, वो वीडियो बनाया तो कुछ लोगों को समझ आया, बोले नहीं सर थोड़ा और डिटेल, तो मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें हर एक ताल के प्रकार में समझा रहा हूँ, उसमें भी कुछ लोगों को डाउट हुआ, अब मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें एक एक ताल को लेकर चलूंगा, वहाँ बोलो अगर कुछ समस्या है तो। लेकिन लोगों को क्या है कि हमने अगर एक टैग दे दिया ना निःशुल्क संगीत का, तो उन्हें लगता है कि हम तो यहाँ बांट रहे हैं और जो वो मांगेंगे वो हम एज इट इज़ दे देंगे। तो एज इट इज़ नहीं मिलता है, वो कंडीशंस अप्लाई होता है ना, वो हर जगह होती है। आप सोच के देखिए, अगर मैं एक एक को फ्री में वीडियो कॉल पर सिखाने लगा तो कब तो मैं वीडियो बनाऊँगा, कब तो मैं खुद सीखूँगा, और कितने लोग हैं आप। एक बार हमारे वीडियोज़ के व्यूज़ सब्सक्राइबर ये देख कर देखिए कि कितने लोग होंगे जो हमें फ़ोन करते होंगे, कितने लोग होंगे जो हमें टेक्स्ट करते होंगे, तो कैसे हम जवाब दे पाते होंगे। लेकिन वही तो बात है, इतना आत्मांकलन, इतना इंट्रोस्पेक्शन या सामने वाले के बारे में इतना सोचना, ये लोगों को नहीं आता है। लोगों को सिर्फ इतना आता है, आपने बोला फ्री में संगीत तो आप हमें यहाँ पे फ्री में किताब क्यों नहीं दे रहे। अरे भैया, याद करें वो लोग आज भी जीवित हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि आज से कुछ ही साल पहले तक वो PDF हम निःशुल्क बांट रहे थे, किसी ने नहीं खरीदी, कोई चाहता ही नहीं था लेना। जिन जिनको मिल रही थी वो ले रहे थे, और जिन जिनको मिल रही थी ना वो भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। जब मेरे पिताजी रोज़ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया करते थे वो किताब की PDF को, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। हमने उसका वीडियो बना के YouTube पे डाल रखा है उसी बुक का, उसको वहाँ से देख लो ना अगर इतना ही है तो। लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें जो हमारे सब हर चीज़ हमें हमारे मुताबिक ही चाहिए, थोड़ा भी उसमें कंडीशन अप्लाई होती है ना तो हमें मिर्ची लग जाती है कि नहीं ये तो आपने झूठ बोल दिया। भैया झूठ नहीं बोला है, कुछ भी हमने झूठ नहीं बोला है, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लीजिए कि हमारा भी घर परिवार है, ठीक है, तो थोड़ा तो हम भी कमाएंगे भाई, है ना। और कमाना इन द सेंस ये तो है नहीं कि हम आपसे कुछ छुपा के फिर कमा रहे हैं, सारी चीज़ें देकर फिर भी हम अगर थोड़ा बहुत कमा लें तो इसमें भी मिर्ची लग रही है लोगों को, कोई बात नहीं। इसके लिए भी मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं कोई गुस्से में ये सारा बातें नहीं बता रहा हूँ। लेकिन एक ही चीज़ आपको बताऊँगा कि फ्री में आप सीख सकते हैं, मेहनत लगेगी, और वो वीडियोस मैंने दे दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया। हाँ, ये होता थोड़ा टेक्नोलॉजी से हम लोग नहीं उतने वाकिफ होते तो नहीं हमें मालूम चल पाता कि कैसे कहाँ से कौन सा वीडियो देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी तो मैंने डिटेल बताया ना। आप मुझसे पूछिए तो सही कि सर ये एक सवाल है, मैं उस पर वीडियो दे दूंगा। व्हाट्सएप पे मुझे सवाल पे सवाल पूछते जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर सवाल का एक वीडियो दूंगा, और नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो बस ये कुछ बात है, मुझे फिर भी पता है इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी 50-60% हमारी जनता जो है वो फिर भी वैसा ही बिहेव करेगी जैसा करती है, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप पे मैंने हजारों बार मना किया है कि हाय हेलो हाउ आर यू लिख के मत भेजिए, वहाँ पर इतना वक्त नहीं है कि मैं वहाँ बैठ के आपसे निजी संबंध जोड़ लूँ, वहाँ मुझे संगीत सिखाना है तो मुझे लिंक्स देने पड़ते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो जैसे ही आप अपनी समस्या लिखते हैं, मुझे डायरेक्ट एक कस्टमर केयर का नंबर समझिए मेरे नंबर को, तो कि वहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, टेक्स्ट नहीं करना है, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब का वीडियो मेरे पास होगा डायरेक्ट तो मैं डायरेक्ट वीडियो दे दूंगा, नहीं तो आपको मैं क्लास का बता दूंगा कि ये हमारा ग्रुप क्लासेस पर्सनल क्लासेस का लिंक ब्रोशर है एक तरह से, कि इतने दिन होती है, ये इसकी फ़ी है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं वो हम सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं, लो भैया फ्री क्लासेस का लिंक ले लो, वो भी नहीं हो पा रहा है, अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, ये ले लो, हर चीज़ मैं आपको देने को तैयार हूँ। PDF नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, फ्री बुक का लिंक ये ले लो, यूट्यूब पर डाल रखी है, हर चीज़ प्रोवाइड करा रखी है, कुछ भी खाली नहीं छोड़ा है, हमारे दो चेहरे नहीं हैं। मैं तो बस इतना सा आपको कहना चाहूँगा, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, फिर भी कुछ अगर अपशब्द निकल गए हों मेरे मुंह से तो मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो, मेरा बिल्कुल इंटेंशन वो नहीं, मेरा बस अपने आप का क्लैरिफिकेशन देना था कि हम वाकई निःशुल्क संगीत सिखा रहे हैं। धन्यवाद।